वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। अरबी की हम कई तरह से सब्जी बनाते हैं, लेकिन आज मैं अरबी की सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ, जिससे पहले मैं अरबी को बॉईल करके बाद में इसकी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अरबी को मैंने 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो लिया है, कि इसमें बाहर से मिट्टी बहुत ही आती है, तो मैंने इसे 2 से 3 बार धो लिया है। अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाल के पहले से ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 2 व्हिसल लगा के अच्छे से बॉईल कर दूंगी। तो 2 व्हिसल लग चुके हैं और हमारी अरबी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। और इसका छिलका निकाल के इस तरह से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक में से मैंने 2 टुकड़े ही किए हैं। इस तरह से मैंने अरबी का छिलका निकाल के काट लिया है। तड़का लगाने के लिए हमें तेल चाहिए और अरबी को मैं अजवाइन से तड़का लगाऊंगी। थोड़ा अजवाइन लिया है और थोड़ी सी मैंने हींग ली है। थोड़ी मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर लिया है करीब 1/2 टीस्पून जितना, क्योंकि अरबी में थोड़ी खटास चाहिए। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। तो शुरू करते हैं अरबी की सूखी सब्जी बनाना। तो कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है और इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए बाद में मैं इसमें अजवाइन और हींग का तड़का लगा लूंगी। अजवाइन अच्छे से तड़क चुका है तो मैं इसमें सूखे मसाले जो मैंने लिए हैं वो डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 10 से 15 सेकंड तक मैं इसे इस तरह से भून लेती हूँ। बाद में मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल देती हूँ और इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे हमारे मसाले जले ना। ऐसा 1 से 2 बार करना है, जिससे हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाए और जले भी ना। तो हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं अभी इसमें जो मैंने अरबी काट के रखी है वो डाल दूंगी। ये अरबी की सब्जी ड्राई बनती है तो हम साइड डिश में भी ले सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद ये हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, भून चुका है, तो मैं अभी अरबी को डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये सारा तेल जो अभी आपको दिखाई देता है वो अभी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अरबी को बॉईल करने के बाद वो थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, लेकिन इस तरह से हम सारे मसाले डालेंगे बाद में थोड़ी देर के बाद इसकी चिकनाहट दूर हो जाएगी। स्वाद अनुसार मैंने नमक भी डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ढक के पकाएंगे। अभी मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए है, सूखे मसाले जो मैंने लिए थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं और अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो अभी मैं ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देती हूँ, जिससे सारे मसाले अरबी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुकी है तो एक बार मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। और अभी मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ। इस सब्जी में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में मैं कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ। इस तरह से हमें हाथों से क्रश कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ढक्कन ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से पकने देती हूँ। आप देख सकते हो काफी ऑयल एब्जॉर्ब हो चुका है, तो मैंने ढक्कन ढक दिया है और स्लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेना है। तो और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी
रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसे 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही खुला पकने देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है और बीच बीच में हमें इस तरह से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देना रहना है, क्योंकि अरबी बॉयल की हुई है तो ये टूट जाएगी। तो अभी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी अरबी की सूखी सब्जी रेडी हो चुकी है। मैंने गैस बंद कर लिया है और इसे एक सर्विंग प्लेट में ले लिया है। तो तैयार है हमारी अरबी की सूखी सब्जी। ये सब्जी टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे साइड डिश में ले सकते हो। और ये हम बाहर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो सूखी सब्जी है तो ले जा सकते हैं और टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं।